गैस के गोले टैप बन जाते हैं भाई साहब, आपके भी पदशत निकल जाते होंगे पापी जी। हाँ हाँ भैया, माना कि ये सब नॉर्मल होता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इसके सस्ते नशे करने लग जाओगे, और वो भी ऐसे। एकदम कड़क माल है ना। तो यार आजकल जहाँ देखो वहाँ बॉलीवुड मूवीज को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चला हुआ है, जिसके पीछे की काफी सारे रीजंस हैं, और वो रीजंस तो भाई तुम लोगों को पता ही होंगे। तो यार आज हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड के एक नेपो प्रोडक्ट की, एक्चुअली बॉलीवुड के टैलेंटेड नेपो प्रोडक्ट में से एक, यस द वन एंड ओनली आलिया भट्ट। अब भाई वैसे देखा जाए तो आलिया भट्ट भी बाकी नेपो किड्स की तरह ही डंब है, बट एक्टिंग थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेती है, तो टैलेंटेड है थोड़ा बहुत। सो यस, आज हम लोग देखेंगे आलिया भट्ट के कुछ डंब मूवमेंट्स प्लस थग लाइफ मूवमेंट्स। सो यस, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज से कुछ साल पहले कॉफी विद करण में आलिया से एक सवाल पूछा गया, Who is the president of India? बट उसका जो जवाब आलिया भट्ट ने दिया भाई, वो सुन के ना तुम भी हिल जाओगे। Who is the president of India? मनमोहन सिंह। भाई मतलब ये कैसे हो सकता है यार, सन 2000 से सीधे बिफोर क्राइस्ट में चली गई है। शी इज द वन एंड ओनली टैलेंटेड वुमन वुमन। एंड इस इंटरव्यू के रिलीज होने के बाद में आलिया को काफी जगह पे ट्रोल किया जाने लगा। मैं जा रही हूँ। I didn't mean it like ये that. मतलब तुम यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और जिसके बाद कि आलिया भट्ट ने ठान लिया कि उसको उन सबसे बदला लेना है जो कि उसके डंबनेस का मजाक उड़ाते हैं, एंड शी बिकम सैवेज। खुद का जब आप मजाक उड़ाती है तो आप उसको स्पोर्टिंगली लेती हैं, जब बट मीडिया जब आपसे सवाल पूछती है तो आप थोड़ा चिढ़ जाती हैं। कभी नहीं चिढ़ी हूँ मैं, मतलब हाँ भाई दीदी चिढ़ती विड़ती नहीं है यार इन सब सवालों से, वो तो बस कभी कभी। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? Don't ask if you don't know. जेब में दांत वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, मस्ती में दिन रात मस्ती में फिर भी काम की। नहीं यार आलिया मैडम चिढ़ती विड़ती नहीं है भाई, ये तो उनका स्टाइल है अपना। Was you tell me the magazine's name? Then I'll tell you how it was. उसकी मुँह से लफ्ज़ नहीं निकलेगा, वो नाम नहीं ले सकता। First let me give the magazine's name, then I'll tell you how it was. Now तुमको इतनी इरिटेशन होती है जब मुझे कुछ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं पता होता है, और तुमको मैगजीन कवर नहीं पता है जिसके क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो। ये सही है भाई, पहले मैगजीन का नाम बता तब जवाब मिलेगा। भाई रिपोर्टर भी सोच रहा होगा, हे भगवान क्या जुलुम है। तो भाई आलिया भट्ट इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, गर्ल नहीं बल्कि वुमेन। अच्छा। यस, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है कि अगले बंदे के मुंह पे झंड कर देती है भाई। आलिया, इन कॉफी विद करण यू सेड दैट वरुण धवन वुड मेक फॉर अ ग्रेट बॉयफ्रेंड एंड सिद्धार्थ वुड मेक फॉर अ ग्रेट हस्बैंड, इट सीम्स दैट यू हैव चोजन द लैटर। You are talking to me every day? You're my best friend? No, I'm just asking you now. Huh? How do you think it seems? So meaning you feel like that. So what has made you feel so this way? So say that it is false. Is it true or false? What's the point of me saying true or false? Because you all don't listen. मैं true बोलेंगी तुम लोग ये बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, पर ये false नहीं है, ऐसा ही है। पागल बना रहे तो बनने का नहीं, शिक्षा मिल रहा जिसको उसको बेटा पढ़ने। वैसे देखा जाए तो भाई लड़की सैवेज तो है। तो भाई तुम लोगों ने आलिया भट्ट की डबल मीनिंग बातें तो जरूर से सुनी होंगी, मतलब भाई पहले से पता नहीं ये लड़की कौन से नशे करके जाती थी यार इंटरव्यूज देने। खैर पहले से ये घर से नशे करके जाती थी, लेकिन अभी तो भाई इंटरव्यू में ही नशे कर रही है। भाई आलिया भट्ट की इंटरव्यूज की हिस्ट्री जो है ना वो काफी ज्यादा खराब रही है भाई, क्योंकि इनको देख के कभी कोई दूर से उसका वो ऐसे हिला रहे वहां से दे दो उसका दे दो सॉरी, और कभी अपने इंटरव्यू में कहती थी कि अरे मुझे तो केला बहुत पसंद है, किसी ने मेरा ट्वीट पढ़ा कि नहीं आज। अच्छा। How can someone be so dumb? तो भाई आलिया भट्ट के अंदर में ये खासियत है कि उनको ना अपनी मूवीज पर मिलने वाले हेट को हैंडल करना बड़े आसानी से आता है। पिछले दिनों जब ट्रेलर आया था तो काफी धुआंधार लड़ाई झगड़े हो रहे थे ट्विटर पे, आलिया का लुक ऐसा, आलिया का लुक वैसा, ये वो चीजें आपने देखी, फिर फर्दर आपके लुक को सराहा गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो उस पूरे फेज के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? जो कौन से फेज के बारे में? जब ट्विटर पे आपके लुक और आपके लहजे के बारे में बातचीत की जा रही थी। हाँ, क्या बोल रहे थे लोग?
आप बताएं, आपने पढ़ा है और आपको भी? मैंने नहीं पढ़ा है, आप बताएंगे। लोग कह रहे थे कि मतलब कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे थे आपके लहजे से, कुछ लोग इत्तेफाक रख पा रहे थे। ठीक है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ नहीं, भाई वाह, तालियां होनी चाहिए इसके लिए तो। आई मीन व्हाट अमेजिंग वे टू डील विद हेट। भाई से एक बात तो पता लग गया कि आलिया भट्ट को हेट हैंडल करना बहुत आसानी से आता है, शी इज ट्रेंड। मुझे तो नहीं आता भाई, पिछली वीडियो पर गालियां खाई थी तो आज 12 दिन के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। भाई आलिया भट्ट को हेट हैंडल करना बहुत आसानी से आता है, इसका मतलब अगर इनकी मूवीज को बॉयकॉट किया जाए तो। मुझमें एक टैलेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है, कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। ओके गाइस, You guys are our family, you guys are our friends, and you guys are the reason that we're all here today. So big round of applause for yourselves, guys. और मुझे पता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, I'm like looking really pretty, and you guys want to stare at me all evening. सच बताऊँ तो चुड़ैल लग रही है, जिंदी चुड़ैल। और ये अपनी डंपनेस को पूरी दुनिया के सामने चीख चीख के नहीं बताते हैं दीदी, नजर लग जाती है। खैर भाई, नेपो किड्स और डंपनेस का एक बहुत गहरा रिश्ता है जो कि जन्मों जन्मांतर तक याद रखा जाएगा भाई। और अगर तुम लोग चाहते हो कि हमारा साथ भी एकदम लंबे समय तक बना रहे तो जरूर से सब्सक्राइब करो यार। और साथ ही मैं वीडियो को लाइक करके बताओ कि भाई कौन कौन सी मूवीज को बॉयकॉट करने का प्लान चल रहा है। तो यार मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बॉलीवुड वालों को मोटिवेट करके आता हूं मैं, बाहुबली मूवी का वो बनाना है रीमेक अर्जुन कपूर के साथ। सब्सक्राइब, बाय।